अंबाला कोर्ट में वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर बवाल काटा। दरअसल बलदेव नगर पुलिस वकील नरेंद्र को कोर्ट में लेने पहुंची, जिसको विरोध में वकील एकजुट हुए और पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया। हालत बिगड़ते देख पुलिस को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। अंबाला कोर्ट में उस वक्त हंगामा हो गया जब बलदेव नगर थाना पुलिस कोर्ट में पहुंची और वकील नरेंद्र को अपने साथ ले जाने लगी, जिसका विरोध वकीलों द्वारा किया गया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वकीलों का कहना है कि पुलिस वकील नरेंद्र को हिरासत में लेने आई थी, जबकि मौके पर पुलिस ये कहती दिखाई दे रही है कि वे वकील को पूछताछ के लिए लेने आई थी। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला बार एसोसिएशन के प्रधान रोहित जैन ने बताया कि कोर्ट में पुलिस वकील को अरेस्ट करने आई थी, जो सरासर गलत है। ये न्यायालय का अपमान है। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम वर्क सस्पेंड रखेंगे। आज कोर्ट परिसर से हमारे एक अधिवक्ता साथी को पुलिस द्वारा इलीगल तौर से कोर्ट में से जाकर बाहर निकाला गया, उसको जबरदस्ती लेके जा रहे थे और अरेस्ट करके लेके जा रहे थे। इसके खिलाफ यहां पर उनको कन्फ्रंट किया गया कि आप इस प्रकार से कोर्ट कॉम्प्लेक्स से किसी भी अधिवक्ता का किसी मुजरिम को भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट परिसर में अरेस्ट करवाने की पावर सिर्फ और सिर्फ माननीय न्यायालय की होती है। और लोगों का जो विश्वास है न्यायिक व्यवस्था में और जो विभिन्न एक्ट हैं, चाहे एडवोकेट एक्ट बात करें, चाहे हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की या उच्चतम न्यायालय की जजमेंट्स की बात करें, उसके मुताबिक यहां से किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सर, कहीं ना कहीं पुलिस की गुंडागर्दी कहेंगे? बिल्कुल, ये धक्काशाही है पुलिस की। और जब उनको कन्फ्रंट किया गया, रोका गया कि आप ऐसे एक्ट ना कीजिए, कह रहे हम पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, एक कारण उनका ये भी दिया कि इस अधिवक्ता के खिलाफ 10 केस पेंडिंग है। मैं मान सकता हूँ कि उनके खिलाफ केसेस पेंडिंग होंगे, एक नहीं 10 केसेस पेंडिंग होंगे, लेकिन किसी के खिलाफ अगर केस पेंडिंग है, उसके लिए एक प्रोसीजर है, उसके आप वारंट लाइए, उसके लिए ऑर्डर लीजिए या उसको नोटिस दीजिए। आप कोर्ट कॉम्प्लेक्स से तो किसी को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट में आने का सबका अधिकार है और कोर्ट परिसर से किसी को अरेस्ट करना कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट है। इसके लिए रणनीति तो पूरे हाउस की एक मीटिंग हुई, इमरजेंट मीटिंग हुई, पूरे हाउस ने सर्वसम्मति से एक डिसीजन लिया कि जब तक दोषी जो अधिकारी हैं, जिन्होंने ये जरूरत की कि कोर्ट में आकर, कोर्ट परिसर में आकर और वहाँ पर किसी को अरेस्ट करने की, खासतौर पर एक वकील के साथ धक्काशाही करने की कोशिश की गई, इसको लेकर हमारा रेगुलर वर्क सस्पेंड रहेगा। और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एसपी अंबाला, डीजीपी हरियाणा और गृह मंत्री जी, उनको हम एक अपनी तरफ से रेजोल्यूशन की कॉपी भेज रहे हैं, ताकि मामले का संज्ञान लेकर जो दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको अंडर सस्पेंशन किया जाए। अंबाला से राकेश कका की रिपोर्ट।